हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मरीन सेलर्स पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक का 16 का चैप्टर है लाइफ सेविंग अप्लायंसेस। तो लाइफ सेविंग अप्लायंसेस में एक नया है लाइफ जैकेट। ठीक है, लाइफ जैकेट आखिर लाइफ जैकेट होता क्या है? हम इसका कंपेरिजन एक टू व्हीलर जैसे बाइक है ना, बाइक बाइक पे हमको हेलमेट क्यों कंपलसरी कर दिया कि हेलमेट लगाना जरूरी मतलब जरूरी क्यों होता है लाइफ इधर सॉरी सेफ्टी हेलमेट क्यों जरूरी होता है? एक्चुअली होता है लाइफ सेव करने के लिए, इन केस आप एक्सीडेंट यू फॉल तो कि आपका सर कुछ भी डैमेज ना हो। ठीक है, मतलब हेड से रिलेटेड। तो इधर लाइफ जो लाइफ जैकेट होती है गाइस, तो लाइफ जैकेट भी इसलिए दिया होता है कि ताकि पानी में डूबो। अब ऐसा तो है ना कि कूदो ऊपर से कूदो पानी में ना कूदो जमीन पे, तब के लिए नहीं होता, तब तो हेलमेट सही है। इधर पानी के लिए होता है कि अगर वाटर में आप डूब रहे हो, अगर लाइफ जैकेट पहने हो, यू कैन नॉट सिंक इनटू द वाटर। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस लाइफ जैकेट। क्योंकि लाइफ जैकेट का मेन मोटिव क्या है कि आप पानी में डूबो ना, पानी में डूबने से बचाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 20 दिन तक 30 दिन तक आपको बचाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए, दो टाइप का लाइफ जैकेट होता है। एक होता है इन्फ्लेटेबल टाइप, एक फ्लेटेबल टाइप। इन्फ्लेटेबल क्या है, उसको हम मतलब मैनुअली भी उसको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं, और मतलब मैनुअली होता ही है। तो जैसे कि अब बात करते हैं फ्लेटेबल लाइफ जैकेट, जो जो मैनुअली नहीं होती, इन्फ्लेटेबल नहीं है। एंड लाइफ जैकेट ये मतलब लाइफ जैकेट शैल बी सो कंस्ट्रक्ट, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि पर्सन दोज आर अनफेमिलियर, मतलब जो टोटली अनफेमिलियर है, मतलब उसको बताया नहीं है कि कैसे इसको डन करना, डन मतलब वियर कैसे पहनना है, डन इट विद इन 1 मिनट। मतलब जिसको पता भी नहीं, बताया भी नहीं कि कैसे पहनना है, 1 मिनट के अंदर वो पहन ले। मतलब 75% पर्सन जो है कि जो अनफेमिलियर हो, 1 मिनट में उसको डनिंग कर ले। फिर उसके बाद आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑल पर्सन डोंट डन इट विद इन 1 मिनट। मतलब जब डेमोन्स्ट्रेटर मतलब उनको बता दिया जाए कि ऐसे वियर करना है, ऐसे मतलब फैमिलियर हो जाए, तो डन इट विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर वो भी जो है कि उसको डनिंग कर लें। ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया ताकि पता हो, हाँ 1 मिनट, डायरेक्ट माइंड इसी पे जाएगा ना, मतलब 1 मिनट में डन करना है इसको, डनिंग करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ क्लियरली कैपेबल ऑफ बींग वन इन ओनली 1 वे, दैट इज राइट एंड राइट वे। यहाँ मैं भूल गया लिखना, तो मतलब कि ये ऐसा लाइफ जैकेट हो कि केवल एक ही इसका एक ही मतलब एक ही वे पहनने का एक ही वे हो, ताकि मतलब कोई भी पर्सन देगा कन्फ्यूजन ना हो, मतलब उल्टा पहन लिया, जैसे कपड़ा होता है ना, उल्टा पहन लिया कि सीधा पहन लिया, कि नीचे का ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे। तो इधर है कि 1 वे, मतलब एक ही वे हो, इससे ज़्यादा वे ना हो। अब चौथा बोलता है कि इट इज़ कम्फर्टेबल टू वियर, मतलब पहनने के बाद कम्फर्ट फील हो, जो पर्सन पहनने से उसको कम्फर्ट फील हो। ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उठा हुआ पार्ट इधर हो, मतलब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। फिर बोलता है अलाउ द वियर टू जंप इनटू द वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.5 मीटर विदाउट इंजरी एंड डैमेज। देखो हाँ, अलाउ द वियर टू जंप इनटू वाटर, वाटर इसलिए हाईलाइट किया कि वियर को पानी में ही कूदना है, मतलब पानी में जब कूदेगा तब, ये नहीं कि वो जो है रोड पे कूदेगा, ऊपर से बिल्डिंग पर से रोड पे कूदेगा, देखता हूँ कि लाइफ जैकेट बचाती है कि नहीं, तब तो सहा हो जाएगा। तो मतलब पानी में जब कूदे वियर कितने हाइट से, 4.5 मीटर, ऐसा नहीं है कि 4 किलोमीटर, 4.5 मीटर कितना होता है, कुछ नहीं है। तो 4.5 मीटर वो जम करे वाटर में, अरे जम करेगा ठीक है, तो लाइफ बोट क्या पता लाइफ, और हाँ विदाउट इंजरी एंड डैमेज इट्स कंपोनेंट, मतलब कि जम करे उसके बाद जो पर्सन वियरर जो जंप करे उसको कोई इंजरी ना हो, और ना ही उसका जो अटैच्ड कंपोनेंट है वो कोई अटैच्ड कंपोनेंट लाइफ जैकेट का टूटे ना, मतलब डैमेज ना हो। ऐसा नहीं कि कूद तो गया, विजिटर लीजिए चली गई, लाइट इधर चली गई, ये सब उधर चला गया। फिर एन एडल्ट लाइफ जैकेट शैल हैव सफिशियंट बायोन्सी, मतलब एक एडल्ट लाइफ जैकेट जो कि उसके पास बायोन्सी कैसी होनी चाहिए, लिफ्ट द माउथ ऑफ अ अनकॉन्सियस पर्सन नॉट लेस देन 120 mm कि मतलब फ्रॉम द वाटर लेवल। तो मतलब लिफ्ट मतलब जो एक अनकॉन्सियस पर्सन, मतलब वो अगर पियला भी हो, पी के टुल्ली हो, उसके भी ये मतलब कि माउथ को पानी के लेवल से 120 mm में ऊपर उठा दे, ताकि वो अच्छे से ब्रीदिंग कर सके, सांस ले सके। फिर क्लियर ऑफ द वाटर विद बॉडी इंक्लाइन बैकवर्ड एट एन एंगल ऑफ एटलीस्ट 20 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन, मतलब जब ये लाइफ जो लाइफ जैकेट है इसकी, वो कैपेबल हो एक मतलब अनकॉन्शियस पर्सन की बॉडी बॉडी को वर्टिकल पोजिशन से, मतलब एक एक ऑफ एटलीस्ट 20, हाँ मतलब जो बॉडी को इंक्लाइन कर दे कितना, 20 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन, बॉडी किधर इंक्लाइंड हो, बैकवर्ड साइड में, मतलब कि जो पर्सन है वीरर उसका हेड सपोज इधर है, तो ऐसे उसको इंक्लाइन कर दे, मतलब वर्टिकल से 20 डिग्री, ये जो है कि
इंक्लाइंड हो बैकवर्ड में। फिर बोलता है कि टर्न द बॉडी ऑफ एन अनकॉन्शियस पर्सन फ्रॉम एनी पोजिशन टू वन वेयर द माउथ इज क्लियर ऑफ द वाटर इन एटलीस्ट 5 सेकेंड। मतलब अनकॉन्शियस पर्सन, कोई भी पर्सन जिसका होश चेत हो, कुछ ना हो, चाहे जो जैसे पड़ा हो, उसके माउथ को एक क्या करे, किसी भी एक किसी पोजिशन से, चाहे उल्टा सीधा, किसी भी पोजिशन से वो एक ऐसे पोजिशन में लाए जहाँ से क्लियर, मतलब क्लियरली उसका माउथ जो क्लियर हो, वाटर वाटर से क्लियर हो, और क्लियरली जो है कि ब्रीदिंग कर सके। हाँ, कितने सेकेंड में, एटलीस्ट 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो अप्रूव्ड हो जाएगी 16 से, नहीं तो नहीं। फिर क्या होता है, अलाउ द वेयर टू स्विम अ शॉर्ट डिस्टेंस टू बोर्ड द क्राफ्ट। मतलब जो जो पहना हो, जो पहना वेयर जो पहना हो, उसको एक शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस वो स्विम कर सके विद लाइफ जैकेट बोर्ड द वेसल, बोर्ड द क्राफ्ट। मतलब जहाँ क्राफ्ट पे जाने के लिए, सपोज वो वेयर लाइफ जैकेट पहना है, क्राफ्ट आया, वेव जो भी चल रही है, अब दो फीट है, जो भी 2 मीटर हो शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब नहीं जा पा रहा है, तो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी कुछ पॉइंट और इसमें। अब इसमें क्या आता है, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि इट शुड बी अ हाईली विजिबल कलर, इट शुड बी ऑफ हाईली विजिबल कलर है, कलर। ठीक, एक हो गया, मतलब ये हाईली विजिबल कलर का हो, जैसे ऑरेंज कलर नॉर्मली यूज करते हैं। और क्या है, वायलेंसी मोर देन 5% आफ्टर फुल्ली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर फॉर 24 आवर्स। ठीक, फिर इट शुड बी अटैच्ड विद अ विशल बाय अ कार्ड। मतलब एक और क्या है, इट शुड बी ऑफ हाईली विजिबल कलर, मतलब ये हाईली विजिबल कलर का होना चाहिए, कैसा कलर, हाईली विजिबल हो जो, ठीक है, हाईली विजिबल कलर, ऐसा नहीं जो भी कलर दे दे, हाईली विजिबल कलर। और इसकी फ्रेश वाटर में 24 आवर इमर्स होने के बाद इतना, एटलीस्ट इसकी मतलब जो बायंसी है 5% से ज़्यादा ना कम, 5% से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, कितने आवर, मतलब कि समर होने के बाद 24 आवर्स। ठीक है, और क्या बोलता है कि इट शुड बी अटैच विद अ विशल, मतलब एक विशल सिटी जिसको बोलते हैं।